हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर एसडी आपको अपने चैनल प्लांट्स लवर पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम इस खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट टिकोमा कैपेंसिस के बारे में बात करने लगे। इसे कैप हनी सकल भी कहते हैं। ये प्लांट बिगनोनिया सियास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। नेटिव टू है साउदर्न अफ्रीका का और आम तौर पे इसे हनी सकल या ट्रम्पेट बुशेस भी कहा जाता है। ये प्लांट आप इसे अगर बुश बनाना चाहें तो ये बुशी लुक भी दे देता है, और अगर आप इसे एक बेल या वाइन की सूरत में ग्रो करना चाहते हैं तो ये बेल भी बन जाएगी, क्योंकि ये एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसके जो फ्लावर्स हैं वो ट्यूबर्स की सूरत में आते हैं और एंड में एक बेल शेप लुक। वाटरिंग की बात करें तो इसे बस रेगुलर वाटरिंग करनी है, और जो है जब हल्की सी सरफेस ड्राई हो जाए तो नेक्स्ट वाटरिंग कर देनी है। ये एक सन लविंग प्लांट है, सूरज को पसंद करता है, ब्राइट लाइट को पसंद करता है, और उसमें ये अच्छी फ्लावरिंग करता है। सर्दियों में जब शदीद सर्दी पड़ती है तो इसके लीव्स जो हैं ड्रॉप हो जाते हैं, और फिर जैसे बाहर का मौसम शुरू होता है तो दोबारा इसमें लीव्स और फ्लावर्स जो हैं बाद में जो हैं इसमें खिलने लगे। अगर आप इसमें खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बरसात के मौसम में और बाहर के मौसम में इसमें थोड़ी सी काऊ डंग मिक्स कर सकते हैं, वरना अगर इसकी रेगुलर वाटरिंग की जाए और इसे जो है धूप में रखा जाए तो ये अच्छी तरह ग्रो करता है। इसमें तीन चार कलर आते हैं, जो आप देख रहे हैं वो डीप ऑरेंज कलर है, येलो कलर में भी आते हैं और पर्पल वाइट कलर में भी। ये इन प्लांट्स के फ्लावर जो हैं वो पोलिनेशन के अमल में काम आते हैं, क्योंकि ये ह्यूमिंग बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं और इन पर बर्ड्स आके बैठते हैं, और फिर जब दूसरे प्लांट्स के फ्लावर्स पे जाते हैं उससे पोलिनेशन का जो है वो अमल होता है। ये सीड्स और कटिंग्स से आसानी से लगाए जा सकते हैं, लेकिन आम तौर पे ये कटिंग्स लगाए जाते हैं। इसकी 6 इंच की कटिंग लेके आप इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग जो है वो आम तौर पे बरसात के मौसम में और बाहर के मौसम में लगाई जाती है। दोस्तों, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, मैंने इसे जो है ये इस तरह से ग्रो किया है कि ये एक वाइन की सूरत में भी ग्रो कर सकता है, और अगर अब मैं इसकी प्रोनिंग या कटिंग कर दूं तो ये एक बुश की भी शक्ल ले लेगा। मेरे पास ये इसका दूसरा प्लांट है जिसे मैंने एक बुश की शक्ल दी है, और इसके जो फ्लावर्स हैं इसका कलर जो है थोड़ा सा इसमें रेड कलर ज़्यादा है। जो आप देख रहे हैं इसके फ्लावर्स जो हैं वो ट्यूबर शेप के होते हैं और एंड में एक बेल शेप नज़र आती है। तो आप इसे चाहे बुश बनाएं, इसे ट्री की शक्ल दें, या आप इसे एक वाइन की सूरत में ग्रो करें तो ये इन्हीं सभी शक्ल में जो है अच्छी तरह ग्रो करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसका ये येलो कलर है, और इसकी अगर आप लीव्स देखें तो इसकी लीव्स का साइज़ थोड़ा बड़ा है, और ये येलो कलर में भी बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। ये देखिए, ये मिक्स कलर है येलो, और ये देखिए ऑरेंज का ये एक मिक्स कलर है। ये देखिए ये कितनी खूबसूरत इसकी शेप है। ये देखिए कितने प्यारे ये फ्लावर्स हैं, और इसके जो लीव्स का साइज है ये छोटा है। देखिए ये बिल्कुल ऐसे, ये भी कितने खूबसूरत जो है ये फ्लावर्स हैं। फ्रेंड्स, मेरी आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर किसी और नई वीडियो के साथ और नए प्लांट के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।